Hello students. We as we know that uh, whenever we want to convert the chemical energy into electrical energy, the cell which is required is known as a galvanic cell. And when we want to convert electrical energy into a chemical energy, then cell is known as that cell is known as electrolytic cell. Right? We already discussed about the galvanic cell and today we are going to discuss about the electrolytic cell. वट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट इज अ डिवाइस इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर कैरिड आउट थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस लिए यूज होता है तो जैसे कि हमने बात की अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है यानी कि अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे बोलते हैं हम जो रिएक्शन खुद से नहीं होती है उससे कैरिड आउट करने के लिए हमें अगर कोई एनर्जी रिक्वायर्ड है वो खुद से नहीं होगी तो उसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी कोई रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइप का जो डिवाइस है उसे क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि अगर हमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सेपरेट करने हैं तो वो खुद से नहीं होगी अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो वाटर लिक्विड फेज में से वेपर फेस में चला जाएगा राइट लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा सेपरेट नहीं होगा अगर हमें वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिवाइड करना है डिकम्पोज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी तब जागे वाटर जो हमारा है वो क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा मतलब ये रिएक्शन कौन सी है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म करना वो खुद से नहीं होगा हमें उसके लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो उस टाइप के सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलिस की द फिनोमिन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द्रू इट्स सोल्यूशन इज टर्म्ड एस इलेक्ट्रोलेस बराबर क्या है हमने बात की है तो हमें पता है हमने जैसे की बात की थी अगर कोई भी सेल हमें फॉर्म करना है तो उसके लिए दो चीज रिक्वायर्ड है एक तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड है इलेक्ट्रोड राइट ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है तो अगर हमें जो सेल में इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया गया है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करे इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करे और वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाए डिकम्पोज हो जाए यहाँ पे यही हो रहा है कि यहाँ पे जो वाटर है वो क्या हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते है इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हमें जिसमें हमने मोल्टन स्टेट में एनएसएल ले लिया है एज अ इलेक्ट्रोलाइट तो ये मोल्टन एनएसएल क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट ये दो तो हमने क्या लिए है इलेक्ट्रोड लिए है वो इलेक्ट्रोड हमने लिए है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो कैसे है प्लेटिनम है हमने बात की थी प्लेटिनम एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होता है सही अब क्या किया हमने ये दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया जैसे हम उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो हमें पता है जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्सेप्ट करके मतलब करेगा मतलब यहां से इस तरफ का क्या होगा करंट फ्लो होगा तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है उसे क्या हम कर देंगे पॉजिटिव बोलेंगे और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोन हो जाएगा और जो पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड क्या होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा अब क्या होता है तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करते हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट में दो टाइप्स के आयन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या फॉर्म करता है तो एक कैटाइन फॉर्म करता है और एक क्या फॉर्म करता है एनाइन फॉर्म करता है यहाँ पे हमने क्या ले लिया है एनएससीएल तो जो हमारा सॉल्यूशन है हमारा मोल्टन एनएससीएल है जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होगा एनए प्लस होगा और दूसरा क्या होगा सीएल माइनस अब हमने जैसे बात की कि ए वाला इलेक्ट्रोड क्या हो गया पॉजिटिव हो गया और ए वाला इलेक्ट्रोड कैसा है नेगेटिव है तो यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें भी तो दो तो टाइप के आयन से एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है और हमें पता है जो पॉजिटिव है वो क्या करता है नेगेटिव को एट्रैक्ट करता है और नेगेटिव क्या करता है पॉजिटिव को एट्रैक्ट होता है मतलब क्या होगा जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके साइड क्या हो जाएगा हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का एनआयन होगा वो उस तरफ एट्रैक्ट होगा और जो इलेक्ट्रोलाइट में कैटाइम्स फॉर्म होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड क्या होगा एट्रैक्ट हो गए अब क्या होगा तो हमारा जो सॉल्यूशन हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो कौन सा है NaCl तो यहां पे दो हमारे पास आयन होंगे एनए प्लस और सीएल माइनस तो जो पॉजिटिव है उसके साइड कौन जाएगा सीएल माइनस जाएगा और जो नेगेटिव है उसके साइड कौन जाएगा एनए प्लस जाएगा सही है तो Cl- जो हमारा एनआईएन है उसके पास ऑलरेडी क्या है इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड ट्रांसफर हो रहा है मतलब के ड्यूरिंग रिएक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं डोनेट हो रहे हैं जो पॉजिटिव है वहां पे जो एनआईन है वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन ऑलवेज कहा होता है एनोड तो क्या हो गया यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था उसने नेगेटिव एनआईन को क्या किया एट्रेक्ट किया वो नेगेटिव क्या है तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन ऑलवेज कहाँ होती है तो एनोड पे होती है मतलब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो हमारा क्या हो गया एनोड हो गया वैसे ही जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा कैटायन को अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे हमारा कैटायन कौन सा है एन ए प्लस वो एन ए प्लस क्या करेगा इस सर्किट में से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और एज अ एन ए मेटल क्या हो जाएगा कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा सही है तो यहाँ पे जो एन ए है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन राइट सो एंड वी नो दैट ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड सो जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा हमारा कैथोड हो जाएगा सही है समझ में आया तो जो पॉजिटिव है वो हो गया हमारा एनोड और जो नेगेटिव है वो हो गया हमारा कैथोड ऑलवेज एनोड पे क्या होगा एनायन एट्रैक्ट होगा और जो कैथोड है जो नेगेटिव है उस पर कौन एट्रैक्ट होगा कैटाइन एट्रैक्ट होगा समझ में आई बात तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क करता है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं तो उसका यूज हो सकता है इलेक्ट्रो मेटलर्जी में मेटलर्जी क्या है तो जो हमारी हमारी ओर होती है उसमें से मेटल का एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेटलर्जी उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट सेल का यूज कर सकते हैं फिर है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल हम जानते हैं कि अगर कोई मेटल को प्योर फॉर्म में चाहिए तो हम क्या सक कर सकते हैं उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर्म कर सकते हैं जैसे कि अगर ये हमारा हो गया एनोड वहां पे हमने क्या ले लिया इम्प्योर मेटल ले ली क्या ले लिया हमने इम्प्योर मेटल तो क्या होगा ये इम्प्योर मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सॉल्यूशन में जाएगी और सॉल्यूशन में फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगी मतलब कि हम प्योर मेटल को कैथोड पे कलेक्ट कर सकते हैं फिर है इलेक्ट्रो प्लेटिंग उसके बारे में भी हम जानते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है अगर कोई चीज रस्ट हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सही है हमने हमें पढ़ा है कि अगर आयन रस्ट हो रहा है तो उसके ऊपर हम का प्लेटिंग कर देते हैं तो उसकी उसका प्रिवेंशन हो जाएगा रस्टिंग का वैसे ही अगर कोई कॉस्टली मेटल्स है जैसे कि गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया तो हम क्या करते हैं जब उसके ऑर्नामेंट बनाने होते हैं तो ज्यादा कॉस्टली ना हो उस वजह से कॉपर के ऑर्नामेंट्स बना के उसके ऊपर गोल्ड का लेयर फॉर्म किया जाता है उसको हम ऐसा बोलते हैं सोने का पानी चढ़ाना सही शायद आप लोगों ने सुना हो तो वो क्या हो गया इलेक्ट्रो प्लेटिंग हो गया फिर मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन मेटल्स यही हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हो रहा है एनोड पर क्लोरीन लिब्रेट हो रहा है तो वो क्या होगा गया वन टाइप ऑफ नॉन मेटल ऐसा ही हम हाइड्रोजन भी गेन सक, कर सकते हैं ऑक्सीजन भी गेन कर सकते हैं तो क्या होगा कि हम नॉन मेटल को प्रोड्यूस कर सकते हैं फिर मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड जैसे कि यहां पे हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया एनएसईएल उसके जगह हम यहाँ पे एक्वियस एनएससीएल यूज करते तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में हमें क्या मिलता है एनएच मिलता मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं अब बात आती है कि अगर हम किसी चीज का किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी जैसे कि मैंने बात की अगर मोल्टन एनएससीएल की जगह एक्वियस एनएसएल ले लिया जाए तो तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट है वो मेनली दो चीजों पे डिपेंड करती है फर्स्ट तो है इलेक्ट्रोड और सेकंड है इलेक्ट्रोलाइट सही है जो इलेक्ट्रोल हम यूज कर रहे हैं वो मेटल इलेक्ट्रोड है या फिर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगी और दूसरा मेनली जो डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन स्टेट में है या फिर उसका सॉल्यूशन लिया गया है उसके ऊपर हमारे प्रोडक्ट डिपेंड करती है अगर जब भी हमारे पास एक से ज्यादा कैटाइन और एनाइन हो तो हमें ये चीज रिफर करनी चाहिए अगर हमारे पास एक ही एनायन है एक ही कैटाइन है तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होकर हमें प्रोडक्ट मिलेगी लेकिन अगर एक से ज्यादा कैटाइन है तो किसका रिडक्शन होगा सही है तो उसके लिए हमें देखना है कि जब एक से ज्यादा कोई कैटाइन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी उसका क्या होगा रिडक्शन और वो हमें क्या कहा मिलेगी कैथोड पे मिलेगी और अगर एक से ज्यादा एनायन है तो उसमें देखना है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन और वो कहाँ पे मिलेगा एनोड पे मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल कम हुआ तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसका और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो उसका क्या होगा कैथोड पे रिडक्शन होगा सही है लेकिन ये किसके लिए देखना है हमें हाई वाला जस्ट फॉर द कैटायंस और ये किसके लिए देखना है हमें एनायंस सही है हम हर एक टाइप का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करती है और हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी ओके फर्स्ट हमने जैसे ले लिया है इलेक्ट्रोलाइज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एनएसएल विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड सही है यहाँ पे हमने जो दोनों प्लेटिनम यू, इलेक्ट्रोड यूज किए हैं वो किसके है प्लेटिनम के है और जो यहाँ पे सॉल्यूशन फिलअप किया गया है जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा वो क्या है मोल्टन एनएसएल मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें सिर्फ दो ही आयन है एक तो Na+ प्लस और दूसरा है Cl- माइनस तो हमें पता है एनोड की साइड कौन जाएगा जो नेगेटिव एनआईन होता है Cl- माइनस अट्रैक होगा और पॉजिटिव की साइड जाएगा हमारा Na+ प्लस तो क्या रिएक्शन होगी एनोड पे क्या होगा जो ये Cl- माइनस है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन गैस लिबरेट कर देगा और जो कैथोड है वहां पे क्या होगा तो जो एनए प्लस जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम मेटल फॉर्म कर देगा सही है यहाँ पे ओनली दो आयंस थे एक एनायन और एक कैटायन तो यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम आती नहीं है लेकिन अगर हमने मोल्टन एनएससीएल की जगह यूज कर लिया एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन सही है अब हमने मोल्टन फॉर्म में नहीं लिया हमने क्या किया है एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया है एनएससीएल का तो अब क्या हो गया हमारे पास अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें एन ए प्लस भी है सी एल माइनस भी है और साथ में क्या है वाटर है और हम जानते हैं कि अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या करेगा ऑक्सीजन गैस लिपरेट करेगा और अगर वाटर का रिडक्शन हुआ तो वो हाइड्रोजन गैस लिपरेट कर सकता है मतलब यहाँ पे हमारे पास अब एनआन भी, तो भी दो हो गए कैटायन भी दो हो गए तो इसमें से इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एनोड पे दो पॉसिबिलिटी हो गई सही है एक कौन सी हो गई एक सीएल माइनस आएगा तो क्या फॉर्म करेगा क्लोरीन गैस और एच ओ का ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या फॉर्म करेगा वो ऑक्सीजन गैस कैथोड पे भी दो पॉसिबिलिटी हो गई अगर एन प्लस आएगा तो सोडियम मेटल फॉर्म करेगा और एच टू ओ का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा तो कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो कैसे डिसाइड करेंगे हम जैसे कि हमने बोला कि जब कैटायन हो उसके लिए हमें क्या देखना है हमारा किसका किस कैटाइन का किस का, किस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है यहाँ पे रिडक्शन दो चीजों का हो सकता है एक तो है हमारी सोडियम मेटल और दूसरा है हमारा वाटर तो ये एक आपको टेबल ध्यान में रखना है वही है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल मैंने आगे भी दिखाया था वही यहाँ पे सिर्फ मैंने वैल्यू की जगह सिर्फ एलिमेंट्स लिखे है अगर आप उसको दो तीन बार रिफर करोगे तो आपको शायद याद भी रह जाए सही है वरना फिर मैं कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगी ये जो टेब... मैंने ऑर्डर लिखे वो किसा है वो किसका है इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है मतलब जैसे जैसे हम वन टू ट्वेंटी फोर की साइड जाएंगे तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है अब जो हम बात कर रहे थे उसमें हमारे पास था एन ए दूसरा था एच टू सही दोनों के हमें रिडक्शन पोटेंशियल देखने हैं तो हमने जैसे बोला कि अगर हमें रिडक्शन देखना है किसका होगा तो जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी यहाँ पे जो एन है वो फोर नंबर पे है और जो एच टू रिडक्शन है वो सेवन नंबर पे है मतलब कि यहाँ पे एच टू का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन किसका होगा एच टू का होगा तो जो ये हमारा सेल है उसमें जो हमारा कैथोड होगा वो क्या हो जाएगा कि जो एच टू में एच प्लस है वो H प्लस क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एच टू फॉर्म कर देगा सही है अब एच टू का ऑक्सीडेशन भी तो हो सकता है तो यहाँ पे फिर से दो पॉसिबिलिटी है एक एच टू जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है और दूसरा जो हमारे पास नेगेटिव आयन था Cl माइनस अब ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या देखना है तो जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो हो तो यहाँ पे लो किसकी है यहाँ पे एच टू ट्वेंटी वन पे है और जो क्लोरीन है cl माइनस वो ट्वेंटी टू पे है हमने क्या बोला तो यहाँ एच टू ओ की लो है लेकिन यहाँ पे हम ये देख सकते हैं अगर ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू मतलब उन दोनों का डिफरेंस क्या है कम है अगर सॉल्यूशन डायल्यूट हुआ तो एच टू ऑक्सीडाइज होगा और हमें क्या मिलेगा एनोड पे ऑक्सीजन और अगर सॉल्यूशन क्या हुआ कॉन्सेंट्रेट हुआ मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें सीएल का अमाउंट ज्यादा है प्रोपोर्शन ज्यादा है तो हमें क्या मिलेगा सीएल टू मिलेगा मतलब जो यहाँ पे हमें रिएक्शन दिया गया है उसमें यहाँ पे ऐसा लिखा गया हो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ एन तो हम कह सकते हैं कि एनोड पे क्या मिलेगा जो क्लोरिन है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो क्या करेगा सीएल टू गैस लिबरेट करेगा मीन्स अगर हमने एक्वियस सोल्यूशन ले लिया वो एनएसएल का और वो भी कौन सा कॉन्सेंट्रेट एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एनएसएल तो क्या हो जाएगा जो एनोड है वहां पे सीएल टू गैस लिबरेट होगा और जो कैथोड है वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा इसकी जगह अगर मैं डायलूट सोल्यूशन ऑफ एनएसीएल ले लू तो क्या हो जाएगा एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा और जो कैथोड है वहां पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा हमें बात आई समझ में एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सीयूएसओ फोर विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रोड का ऐसे हमारे प्लेटिनम के है ये हमारा एनोड है एनोड एनोडम यानी हो गया पॉजिटिव ये कैथोड है यानी हो गया नेगेटिव हमारे पास जो सोल्यूशन है वो किसका है सीयूएसओ फोर का मीन्स हमारे सोल्यूशन में सीयू प्लस टू प्रेजेंट है एसओ फोर माइनस टू प्रेजेंट है और अगेन हमने उसका सोल्यूशन लिया है मतलब उसमें एच टूओ भी प्रेजेंट है तो जो हमारा एनोड और कैथोड की बात होगी तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन हम जानते हैं वहां पे कौन जाएगा तो SO4 ए SO4 कहा जाएगा यहां पे आ जाएगा SO4 माइनस टू और दूसरी पॉसिबिलिटी है एच टू ओ का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है तो हमें क्या देखना है ऑक्सीडेशन किसका होगा जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी लो होगी उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा एच टू ऑक्सीडेशन है वो क्या है ट्वेंटी वन नंबर पे है और जो एसओ फोर माइनस टू ऑक्सीडेशन है वो कह पे है हमारा ट्वेंटी थ्री पे तो यहाँ पे हमने बोला ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ट्वेंटी वन की क्या हो गई कम हो गई मतलब हमारा क्या हमारा ऑक्सीडेशन किसका होगा एच टू ओ का होगा तो यहाँ पे क्या होगा एच टू ओ में भी तो होता है एच प्लस ओ एच माइनस तो ओ एच माइनस किस तरफ जाएगा एनोड की तरफ जाएगा अगर वो एनोड की तरफ जाएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा एच टू और साथ में क्या फॉर्म करेगा लिबरेट करेगा ओ माइनस टू जो ओ एच माइनस है उसमें ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस टू तो और ऑक्सीजन में होता है जीरो मतलब कि वो माइनस टू तो से जीरो हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये एनोड पे होगा सही है अब इसे हम बैलेंस कर देते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं फोर ओ एच माइनस इट गिव्स टू एच टू ओ प्लस ओ टू सही है अब कैथोड पे कैथोड पे भी तो हमारे पास दो तो पॉसिबिलिटी है एक कॉपर भी जा सकता है और दूसरा एच प्लस भी तो जा सकता है तो हमें क्या देखना है कि जो हमारा आयन है उसमें से किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है यहाँ पे एच प्लस ये रहा फिफ्टीन पे और कॉपर कहां रहा सीयू प्लस टू का सही है इन दोनों में से किसका ज्यादा है तो कॉपर का और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा उसका क्या होगा रिडक्शन होगा तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा कॉपर आई बात समझ में मतलब जब भी सोल्यूशन में दो एनायन हो दो कैटाइन हो तो हमें देखना है किसकी अगर एनोड की रिएक्शन करवानी है तो हमें देखना है किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है जिसका लो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और अगर हमें रिडक्शन करवाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस कैटाइन का किसकी किस जो आ, कौन सा आयन है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है हाई है एक और एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ कॉपर इलेक्ट्रोड सही है अब यहां पे क्या है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है मीन्स वही हो गया हमारे पास सी यू प्लस टू आयन है एसओ फोर माइनस टू आयन है और क्या है हमारे पास एच टू ओ है सही है तो हमारे पास फिर से दो पॉसिबिलिटी आएगी लेकिन जो आगे का था उसमें हमने क्या किया था प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया था यहाँ पे हम क्या करें? कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज करें, हमने बोला ना कि जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करती है अब देखेंगे हम इलेक्ट्रोड पे कैसे डिपेंड करती है सही है हमें एनोड पे क्या करवाना होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के लिए क्या देखना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किस स्केल वो है सही है तो हमारे पास Cu प्लस एसओ फोर माइनस टू तो है एच टू ऑक्सीडेशन भी है साथ में हमारे पास क्या है कॉपर भी है सही है तो ये रहा कॉपर सिक्सटीन पे एच टू ऑक्सीडन ऑक्सीडेशन रहा ट्वेंटी वन पे और जो एसओ फोर है वो कहां पे है ट्वेंटी थ्री पे तो किसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है कॉपर की कम है मतलब जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा कॉपर का होगा सही तो हमारे एनो रिएक्शन क्या हो जाएगी Cu इट गिव सीयू प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन वैसे ही हम अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा कैथोड पे हमारे पास सीयू प्लस टू भी है सही है और दूसरा कौन है एच टू और रिडक्शन है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एच टूर रिडक्शन है वो सेवन पे, पे है और वो ये किस पे है सिक्सटीन पे है मतलब जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है इसका बहुत हाई है एज कम्पेयर टू एच टू तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा हमें कैथोड पे कॉपर ही मिलेगा मतलब ये हमेशा याद रखो अगर हमने मेटल इलेक्ट्रोड यूज किया है तो क्या होगा ये जो एनोड होगा वो इनप्योर मेटल होगी जहां से जो हमारा मेटल है वो कहाँ जाएगा वो जाएगा सॉल्यूशन में और वहां से फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फिर से वो कैथोड पे क्या हो जाएगा डिपोजिट होगा मतलब अगर कोई मेटल इलेक्ट्रो लिया है हमने तो वहां एनोड हमारा इमप्योर मेटल होगी जहां से वो जाएगा सॉल्यूशन में और फिर से कैथोड पे वो क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन लेके डिपोजिट होगा और कैथोड पे हमें प्योर मेटल मिलेगी समझ में आई बात मतलब सिर्फ हमने यहां पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट सेम किया लेकिन इलेक्ट्रोल चेंज कर दिए तो देखो प्रोडक्ट चेंज हो रही है सही है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डायलोड सोल्यूशन ऑफ एच टू ओ विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड साइट यहाँ पे क्या है हमारे पास एच टू ओ मतलब ऑक्सीडेशन उसका भी हो सकता है एच टू एसओ फोर मीन्स हो गया है एच प्लस एसओ फोर माइनस टू सही है हमें क्या देखना है एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका लो हो किसका होगा तो एसओ फोर माइनस का देखना है और एच टू ओ का ये भी हमने देखा ट्वेंटी वन और एसओ ट्वेंटी थ्री तो किसका ऑक्सीडेशन होगा एच टू ओ का एच टू ओ का ऑक्सीडेशन कैसे होगा तो एच टू ओ का जो ओ एच माइनस है वो क्या करेगा ऑक्सीजन लिबरेट होगा मतलब अगर हमने डायलोट एच टू एसओ फोर का सोल्यूशन ले लिया तो जो एनोड है वहां पे क्या होगा ऑक्सीजन लिबरेट होगा और कैथोड पे तो कोई ऑप्शन क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो रहा क्योंकि एच में भी एच प्लस है इसमें भी एच प्लस है दोनों ही एच प्लस है तो हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगा समझ में आई तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है अगर आपको दे दिया गया हो कि इसका कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसका आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी तो आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है एक तो ये अगर जो हमारा कैटाइन है वो कैटाइन जो है उसमें से किसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी उसका ही रिडक्शन होगा और वही कैथोड पे जनरेट होगा और अगर हमारा एनआन एक से ज्यादा है तो उसमें किसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगी जिसकी लो होगी वो ही, उसका ही ऑक्सीडेशन होगा और वही एनोड पे मिलेगा तो शायद आप एज्यूम कर पाओगे कि जब किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस हमें दिया गया हो तो हम हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओके चलो अब आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना तो आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा वो आपको पता चल गया लेकिन वो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो कितना फॉर्म हो रहा है उसका अमाउंट क्या है उसकी क्वांटिटी क्या है उसके लिए माइकल फेरेडे ने दो लॉस लिए है हमें तो हम स्टडी करते हैं उसका फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है अगर कोई सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है राइट एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सही है मतलब अगर कोई भी मेटल डिपोजिट हो रही है या नॉन मेटल लिबरेट हो रही है सही है क्योंकि नॉन मेटल होगी तो हमें गैसेस फॉर्म में मिलेगी और मेटल होगी तो सॉलिड फॉर्म में तो अगर सॉलिड है तो हम बोल सकते हैं डिपोजिट हो रही है और गैस है तो हम बोल सकते हैं लिबरेट हो रही है तो अगर हमारा के ड्यूरिंग कोई पन, कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा है डिपोजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है सही है तो वो कितना डिपॉजिट होता है और कितना लिबरेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी क्वांटिटी में उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं मतलब कि जो हमारा मास है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो इट्स चार्ज राइट इन इनकुल्ब होती है मतलब ये हमारे चार्ज पे डिपेंड करता है कि हम कितना चार्ज उसमें से कितने टाइम तक पास कर रहे हैं अब यहाँ पे हम जानते हैं प्रोपोजनल की साइन अगर हमने रिमूव करनी है तो कोई ना कोई कोई, कोई, कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना होता है तो वो हमने ऐड किया है जेड जेड किया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है अगर हम जानते हैं हम यहाँ पे जानते हैं जो चार्ज है वो क्या होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर हम मतलब हमारा जो सब्सटेंस का मास है वो इस पे डिपेंड करेगा हम कितने टाइम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हैं उसके ऊपर उसका मास डिपेंड करेगा और ये जो z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो कैसे फाइंड आउट होगा अगर हमने वन फेराडे जितना चार्ज वन यूनिट uh, टाइम के लिए वन इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या होगा तो जो हमारा Z होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किसके अकॉर्डिंग होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो जो इक्विवेलेंट मास होता है वेट होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है तो अगर हमारा मोलिक्यूलर कोई भी सब्सटेंस का मोलिक्युलर मास है उसको डिवाइडेड बाय करना है जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होता है मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर क्या होता है एन फैक्टर और एन फैक्टर क्या है तो अगर कोई एसिड बेस है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कि, मतलब कितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है कितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है अगर हम एस की बात करें तो उसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा अगर हम H2SO4 की बात करें तो उसके लिए फैक्टर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा सही है तो ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर सकते उसका डिवाइडेड बाय हम वन फेराडे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा Z मिल जाएगा अगर हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी हो न्यूमेरिकल्स में तो हम कैसा करेंगे क्या अगर सोडियम मेटल डिपोजिट हो रही है कैथोड पे तो हम जानते हैं कि जो सोडियम है उसके लिए चार्ज क्या होता है वन तो हो जाएगा एन ए प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन इट गिल्स एन ए तो हम ये कह सकते हैं अगर हमने वन फेराडे चार्ज पास किया तो ट्वेंटी थ्री ग्राम जितनी जो हमारी सोडियम है वो क्या होगी डिपोजिट होगी तो अगर हम जितना भी पास कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी होगी वो हम काउंट कर सकते हैं वैसे ही अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का चार्ज होता है प्लस टू तो हम ये कह सकते हैं अगर सीयू प्लस टू है उसमें उसने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो वो क्या करेगा कॉपर फॉर्म करेगा मतलब कॉपर के लिए हम ये कह सकते हैं अगर दो फेराडे जितना चार्ज पास करेंगे तो उसके एटॉमिक मास जितना वेट वहां पे फॉर्म होगा यानी कि अगर हमारे पास एनोड कैथोड रिएक्शन है उसपे जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे बैलेंस करने के बाद तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने मोल है और एक मोल का होता है वन फेराडे चार्ज तो ये बोल सकते हैं कि वन फेराडे के लिए उसके एटॉमिक मास दो फेराडे के लिए उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास अगर एल्यूमिनियम होता तो हम बोल सकते थे थ्री फेराडे के अकॉर्डिंग उसका एटोमिक मास जितना मास डिपोजिट होगा मतलब ये जो फर्स्ट लॉ है हमें किस लिए हेल्पफुल है तो वो हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस फाइंड आउट करने के लिए यूजफुल होता है और जो ये मेटल डिपॉजिट होती है उसका मास क्या है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं द हेल्प ऑफ फेराडीज फर्स्ट लॉ फेराडी का सेकेंड लॉ क्या कहता है अगर हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है सही है और उसे हमने क्या किया है सीरीज में कनेक्ट कर दिया है मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट वाले सेल है जिससे हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो जब उसमें सब्सटेंस डिपोजिट होगा उसका मास जो है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा सही है क्योंकि क्या होता है तो जब भी हम सीरीज में किसी सेल को कनेक्ट करते हैं तो हमें पता है हमने टेंथ में ये दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज तो जब भी सीरीज में किसी सेल को कनेक्ट किया जाता है तो इसमें से जो करंट पास होता है वो कितना होता है सेम होता है मतलब अगर सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करके सेम करंट पास कर रहे हैं सेम टाइम के लिए तो जो भी मास वहां पे डिपॉजिट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा ई e के बिकॉज क्या हो गया तो हमारे पास जो फॉर्मूला थी पहली ये देखी हमने z इक्वल टू ई बाई नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो और उससे पहले देखी थी हमने w इज इक्वल टू जेड आई टी चाहिए अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते आईटी आई टी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल जाएगा w इज इक्वल टू ई आई टी बाय नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो और अगर हम क्या कर रहे हैं सेम टाइम के लिए सेम करंट पास कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा अगर हम दो सेल है तो उसका जो वेट होगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाएगा किसके इक्विवेलेंट वेट के समझ में आया तो इसीलिए बोल बोल रहे हैं कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तभी क्या होगा ये जो मास है वो इक्विवेलेंट मास के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने से जो टाइम है और जो पास हो रहा है करंट वो दोनों सेल के लिए क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं तो सपोज कि ये हो गया हमारे लिए W1 हो गया इक्वल टू E1 it आई टी बाई नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो दूसरे सेल के लिए क्या हो जाएगा W2 टू इक्वल टू ई टू आई टी नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो और अगर अब हम ए इक्वेशन वन बोले और ए इक्वेशन टू बोले इन दोनों को हम क्या करें डिवाइड कर ले तो हम जानते हैं टर्म क्या है सेम है तो हमें क्या मिल जाएगा ई वन डब्ल्यू वन बाय डब्ल्यू टू इज इक्वल टू ई वन बाय ई टू समझ में आया तो हमारा ये था फेरेडे का सेकेंड लॉ होप यू अंडरस्टैंड इफ देर इज एनी क्वेरी देन यू कैन कॉमेंट मी ओके एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो